मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी, ठीक है, तब है ना हम लोग के बिल्डिंग के नीचे एक होटल थी, तो वह ना नीचे होटल वाले ना उसने मुझे बुलाया। अब मुझे पता नहीं, इतना गंदा मारे ना वो बंदे को, वो तो तैनी जी क्या हुआ। हाँ। तो हम लोग भाग गए उसके पीछे मारने के लिए। साइंस लेबोरेटरी होती है ना। हाँ। वहाँ पे लेके क्या था। हाँ। जब वो टीचर ने फोन किए ऐसे, क्या हो गया, स्कूल क्यों नहीं आ रही है, ऐसा वैसा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइस हम लोग बहुत आरती मत बोला करो, तुम बोलो मैं हूँ गलतफहमी। क्यों ऐसा, अभी अभी कैमरे के पीछे कुछ बोले थे ना, उसका जवाब था ये। गाइस क्योंकि मैं अच्छी दिखती हूँ तो इन लोगों को तकलीफ होती है, इन लोग ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि मैं अच्छी दिखती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं अच्छी दिखती हूँ। तुम अच्छे दिखते हो, सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, एक्चुअली हमें वो कुछ तो काम था दोपहर में यहाँ पे तलोजा में, तो हम लोग वहाँ पर आए थे, तो वो काम हो गया। मेरा नहीं, अरसू का काम था, तो वो काम हो गया। अभी हम लोग सब लोग बैठे, तो गाइज हम लोग आ तो गए हैं यहाँ पे। और मुझे ये बोलना था कि जब हम लोग आ रहे थे ना, तो एक इंसिडेंट हुआ गाइज मेरे साथ, बताती हूँ। तो गाइज ये सीन हुआ, जब मैं आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, तो अरसू है ना यहाँ पे, हम लोग जहाँ पे चाय पीते हैं हीरा नंदानी पे, वहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए उतरे, मतलब बाइक से उतरे, तो एक लड़के लोग का ग्रुप जा रहा था वहाँ पे, मतलब एज में ही थे, मतलब समझो ना ज्यादा एजेड ही लग रहे थे। उन लोग जा रहे थे, उन लोग जाते रहते ना जान बुझ के, मतलब मैं खड़ी थी ऐसा नॉर्मली, तो जान बुझ के जाते थे ना, उन्होंने ऐसा हाथ पूरा जान बुझ के मार के गए, और अरसू आगे चाय मुझे, और मैंने चिल्लाई, मैंने बोली देख के चलने का ना, तो फिर उसने वो उसकी स्पीड फास्ट कर ली और वो मतलब फटाफट फटाफट आगे निकल गया, और तब तक अरसू आया हाथ में चाय लेके, अब उसको बोलती तब तक के, तो वो निकल गया था। मैं ना पहले ऐसी नहीं थी, बचपन में ना मतलब मेरे साथ हो चुका है एक बार एक सीन, तो मेरे को है ना तब से बहुत डर है, मतलब तब मतलब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी, ठीक है, तब है ना हम लोग के बिल्डिंग के नीचे एक होटल थी, बिल्डिंग के नीचे, तो वो होटल में ऐसा सीन था ना, समझो ना थर्ड स्टैंड, क्या कुछ नॉलेज नहीं, कुछ पता नहीं, तो वो ना नीचे होटल वाले ना उसने मुझे बुलाया। अब मुझे पता नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मली जब नीचे खेलती रहती थी तो पता था कि हाँ ये अंकल है ये वो, तो उन्होंने मुझे बहुत बैड टच किया, तो वो चीज है ना, मैंने मेरे को उस टाइम पे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं, तो मैंने मम्मी मेरे को बोले इतना टाइम क्यों हो गया तुमको, तू घर क्यों नहीं है, मतलब इतना टाइम क्या, नीचे कोई बच्चा नहीं खेल रहा, तू अकेली नीचे थी क्या, कहा थी, तो मैं बोली मम्मी ऐसा वो अंकल बुलाया। मेरे पूरे घर ने इतना गंदा मारे ना वो बंदे को, वो तो अभी है ही नहीं बंदा यहाँ पे, मतलब गाँव उसको तो भेज दिए तभी होटल से निकाल कर, बट इतना मारे थे ना। और उस टाइम में मेरे डैडी नहीं थे घर पे, मेरे डैडी ऑफिस में थे, जब मेरे डैडी आए ना पूरी बिल्डिंग के लोग नीचे जमा हो गए थे, तो मैंने ऐसा बताया कि मुझे यहाँ टच किया वहां टच किया, इतना मतलब वो था कि उतना बताई, तो फिर मेरी मम्मी ने सबको बुलाया नीचे, फिर है ना सब लोग इतना मारे उसके ना एक मतलब एक जगह से खून आ रहा था। मेरे डैडी आए, फिर मेरे डैडी आने के बाद है ना, मेरे डैडी ने सिर्फ एक पंच मार, मत पूछा कि क्या होता, मम्मी ने बोले कि बदतमीजी कर रहा था ये वो, आरती को लेके गया वो, तभी मेरे मतलब वो है ना एकदम ट्रॉमा है मेरे लिए, बहुत बड़ा ट्रॉमा है। उसने मेरे को मारा, मेरे डैडी ने उनको उसको मारे यहाँ पे, दोनों नाक से ऐसा खून, बाप रे बाप, मेरे डैडी ने इतना गंदा धोए ना उसको, ये चीज ना एकदम वो मतलब ट्रॉमा रहता है ये, बट नहीं हो सकता ये ओवरकम नहीं होता है, तुमको अंदर से निकलना चाहिए, गुस्से में मारना। हाँ तो अभी मैं वैसी हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अरे वो एकदम इंस्टेंट हुआ, और वो एकदम भाग गया मेरे चिल्लाने तक। हाँ, और मेरे को ऐसा था, मैं मेरे बैग वैग था, मैं बोली भागूंगा इसके पीछे। प्रॉब्लम क्या हुई थी, हम लोग ना अभी बीच में गए थे जू, गए थे वीडियो भी बनाए थे, तो वही सीन हुआ था, हम लोगों को पता भी नहीं, आयशा ने उसको ना एक मार दी, हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या हुआ, तो हम लोग भाग गए उसके पीछे मारने के लिए उसको। हाँ। फिर मैं वापिस आया पूछने की क्या हुआ, छुआ, फिर भाग के गए हम लोग मारने के लिए उसको, इतना मारे हम लोग, पुलिस में जाके भी दिए, पुलिस ने सब एड्रेस भी हम लोग से लिख के लिए, उस टाइम पे मेरे डैडी ने पुलिस कंप्लेंट किए थे, बट वो है ना मतलब एकदम ऐसा होता है। और अभी और हकीकत में ऐसा, अभी के टाइम पे तुम्हें ना क्रॉफर्ड मार्केट भी चले जाओ, अगर एकदम क्राउड रहेगा ना, तो कोई एक ना कोई ऐसा, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही कि सब वैसे, बट कोई ना कोई एक ऐसा रहेगा जो है ना जान मुझ के धक्का मार देगा, या मतलब जान मुझ के टच कर रहे हो, इस वजह से क्राउड प्लेस पे ऐसा होता ही है, कभी काम निकल गया तो ठीक है, लेकिन
साथ में जाओ किसी के या पास में रखो अरसलान के साथ जाते तो अरसलान को बोलो साथ में रहो। ये उस टाइम पे नहीं बताया ये अभी मैं चाय लेने गया था मेरे को नहीं मालूम उसको मैं बोला भी साथ में चल वहाँ पर तो वो बहुत अभी ऐसा ये सब जो साथ में रहता उसको बताने का अरे हमने बोली इसके हाथ में तो चाय है ये मतलब क्या मैं बोली अभी मार मार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं यही सोच के छोड़ देती थी कि छोड़ कुछ मैटर नहीं होना चाहिए कुछ मैटर नहीं होना चाहिए ये वो लेकिन फिर अब मैं ऐसी हो गई थी अब ऐसा नहीं बट आज का वो इंसिडेंट फटाकफट हो गया इसके लिए को मालूम हम लोग मतलब जब से छोटे से बड़े हुए तब से अब तक के मतलब हम लोग ने देखे है कि लोग कैसा छेड़ते हैं क्या होता है लड़की पास हो रही है तो गाना गा रहे ये हो रहा है, होता ही है लेकिन ये चीज हम लोग के जहन में ही नहीं आया कभी कि कोई लड़की जा रही है पास हो रही है हम लोग के सामने से कि हम लोग के मुंह से निकल जाए क्योंकि हम लोग को सिखाया ही नहीं सही बात है सही बात है हम लोग को बताया नहीं कि ऐसा ऐसा होता है या फिर ये लेकिन छेड़ने से वैसे भी लड़की ना पटती है ना कुछ होता है पहली बात तो नजर पे गिर जाता है इंसान गिर जाता है कि भाई ये लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की अरसू के साथ मतलब मैं इतना टाइम कभी भी हम लोग ऐसे कोई पब्लिक प्लेस पे रह गया कोई लड़की आज ये डायरेक्ट अपनी मुंडी नीचे कर ले नजर भी ना तो ऐसा हो जाता है कि अरे कॉन्शियस हो गया इधर उधर लगती है एम्बैरेसमेंट की नहीं एम्बैरेसमेंट सामने वाली औरत को कभी 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 ऐसा लगता है कि नहीं इनसिक्योर कभी कभी देखो ना ऐसा बैठे बैठे अपन एक जगह देखते रहते लेकिन अपन वो इंसान को नहीं देख रहे देखते रहते मालूम पड़ा आकर लाफा वाफा पड़ गया था देख नहीं जाता तो एक लड़कों का भी इंसिडेंट हुआ रिसेंटली मैं ना खड़ी थी कहीं पे कहाँ पे तो मैं एक जगह पे खड़ी थी तो वहाँ पे क्या हुआ मतलब मैं ऐसे लड़कों का ग्रुप था और उस टाइम पे ना अभी ये जो हुआ था एक बहुत बड़ा केस जो हुआ था रेप के उसके रिलेटेड है ना दो लड़के लोग बात कर रहे थे ठीक है कि अरे ऐसा हुआ तो वो लड़का बोल रहा था मैंने शायद मेरे प्रीवियस एक व्लॉग में भी बोली वो लड़का बोल रहा था कि है ना तूने क्या किया मतलब तेरे को पता चला उस चीज के बारे में तो तूने क्या किया तो किसी ने ना इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है किसी इंसान ने तो उसने बोला तूने क्या किया करके ऐसा वैसा तो उसने बोला कि मैंने ना स्टोरी डाला मतलब सोशल मीडिया पे स्टोरी डाला ऐसे उन लोग वही टॉपिक के बारे में बात करते तो उसके साथ जो बंदा था ना वो उतना तब भी ऑन द स्पॉट अरे भाई उसको वो देख वो लड़की को देख तो मतलब वो है कि तुम ये चीज सोशल मीडिया अरे मतलब वो दूसरी लड़की को बता रहा था मतलब क्या हुआ एक दोस्त से बात कर रहा था वो ले रहा था मतलब सेंटी हो रहा था एक इंसिडेंट पे कि मैंने स्टोरी डाला उस चीज के लिए कि ऐसा लड़की था और जैसी लड़की पास हुई ना तो बोला अरे भाई वो देख लड़की देखा ऐसा तो वो मेरे को ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा भी मतलब अच्छाई भी है उनके अंदर लेकिन उनको उनकी बुराई से उसको ओवरलैप करने का है वो वाली चीज है तो वो भी इंसिडेंट बहुत और आज के टाइम में बहुत लड़की वो चीज तो ऐसी हो गई है कि पहले मतलब बुरा खुद करते हैं फिर लोगों को बोलते हैं कि तू बुरा क्या तू बुरा हाँ, और मैंने ना आज के टाइम पे बहुत लड़की लोग तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे को कमेंट्स आते हैं लड़की लोग के कि हम ये फेस कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं मैं तो एक लड़की को बोली भी थी कि मेरे को डीएम कर बट उसने कुछ डीएम नहीं करी मेरे को लेकिन बहुत ऐसे लोग है जो फेस करते हैं सब चीज ये सब सॉरी उसका उंगली फूटा है ऐसा किया उंगली से फूट गई सब उसका तो गाइज यहाँ पे मुस्तू आ गए हैं मस्ती करने के लिए हमें बहुत सीरियस टॉपिक हो रहा था बट हम लोग छोड़ो बस इतना है कि मैं सब इतना ही बोलूंगी कौन है जोया यूट्यूब में आते ना दो पक्षी लोग कुछ जोया और कुछ वो अरबाज की बेटी अच्छा ये अरबाज की बेटी कजन है गाइज अच्छा चलता है नहीं तो मैं क्या बोल रही थी मैं भूल ही गई यार मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज लाइक कुछ बोल रहा एक मिनट में और कुछ बोलूंगी क्या अगर कोई आपको लड़की अच्छी लगी तो उसे निकाह करो जैसे मेरे आदमी ने किया क्या कैसे हो भाई तू मैं गाइस सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए खुद लड़ो अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई आसपास तो हेल्प मांगो एक और एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी अगर ट्रेन से तुम ट्रैवल करोगे या कुछ करोगे ना तो वहाँ पर ना वेंडर्स लोग रहते हैं ट्रेन के अंदर लोग चढ़ते ना सामान वामान बेचते तो लेडीज कंपार्टमेंट में ना एक आंटी को मैं देखा था चढ़ते हुए तो उनके पास मतलब पेपर स्प्रे हाँ ये सब रखना चाहिए सब कुछ मैं बोला ओ हो क्या बात है मैंने सब कभी नहीं रखी कब
कभी नहीं रखी क्योंकि आयशा सीधा मारती सीधा मारती मैं कभी ऐसा नहीं रखी मैं ना पहले डरती थी बहुत पहले बहुत डरती थी कि नहीं है लेकिन एक बार है ना मेरे को वो हिट हो गया ना तो फिर मेरे को नहीं होता मेरे को जरा भी मेरा आवाज एकदम चिल्ला गाली निकलती है सबसे पहले गाली ही निकलती है नहीं मेरी गाली निकलती है पहले फिर वो रुकेगा ना तो फिर मारती हूँ मैं और मेरे को ऐसा नहीं है कि फेस वेस पे नहीं मार सकती पीठ पे ही मारूंगी अगर मारती हूँ मैंने एक ही बार दो ही बार मारी और पीठ पे ही मारी हूँ लेकिन डर भी लगता है मेरे को कि बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा फिर ऐसा है कि नहीं पप्पा है संभाल लेंगे थर्ड फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैं थी तो ना एक स्कूल में लड़की थी हमारे तो छोटी थी तो जो वॉचमैन था ना हम लोग के स्कूल का तो वो ना शायद ड्रिंक करके बैठा था या कुछ पी के बैठा था पता नहीं तो ना वो लड़की को से साइंस लेबोरेटरी होती है ना वहाँ पे लेके गया था जब लास्ट या सेकेंड लास्ट पीरियड था और वो लड़की ना तमिल थी उन लोग कैसे जंड रहे थे उसके वो लोग जट रहे थे घर वाले थोड़े मद्रासी लोग कैसे हाँ समझ गई मद्रासी प्रॉपर एरिया में वैसे थे तो ना वो उसके बाद वो लड़की को ना वो लेके गया वॉचमैन वो लड़की ना आई अभी ना वो दो तीन दिन ना स्कूल ही नहीं आ रही है तो टीचर ने फोन किए ऐसे क्या हो गया स्कूल क्यों नहीं आ रही है ऐसा वैसा तो बोले स्कूल आने से डर रही है तो पता नहीं जब उसके पेरेंट्स लोग और ये रियल इंसिडेंट है जब उसके पेरेंट्स लोग आए ना तो वो वॉचमैन को देख के इतना डर रही है वो लड़की इतना डर रही है वो डर बैठ जाता है वो डर बैठ गया तो उसको जब एक प्रिंसिपल थी हम लोग की वो जाके कोने में चुपचाप पूछी ना क्या हुआ तो वो बोली मेरे को उधर लेके गया जहाँ पे ना वो स्केलेटन रखते ना वहाँ पे लेके जहाँ पे एक हड्डी है इतनी बड़ी मुझे वहाँ पे लेके गया उसने वो मुझे साथ ऐसा किया वैसा किया वो उसके जो घर वाले दूसरे दिन आके जो वॉचमैन को मारे है स्कूल के बाहर में खिड़की से हम लोग सब देखे सब बहुत मारे पूरा फाड़ दिया उसका मुंह हाथ वैस सब तोड़ दिया और लेके गए वैन में बिठा के ऐसे लोगों की यही सजा होनी चाहिए मतलब तुम नॉर्मली ये चीज को ऐसे नहीं कर सकते भाई तुमको अपना है जो भी तो शादी वादी करो या जो भी है बट तुम लोग किसी के बच्चे लोग अभी बहुत केसेस आ रही है सब केस के लिए तो मोस्टली बच्चे लोग को बच्चे भी डरने लग गए कहीं भी पे भी जाने के लिए इसके लिए गाइस अपनी सेफ्टी अपने पास रखो मतलब अपने साथ रखो कुछ भी कैरी करो अपने साथ पेपर स्प्रे या नाइफ वाइफ कुछ भी ऐसा कैरी करो और अगर कोई साथ में तो और अच्छी बात है। तो गाइस मैं आ गई थी घर पे और अचानक सडनली मुझे घर पे आना पड़ा क्योंकि कुछ काम था मुझे तो फिर इसलिए मैं आगे व्लॉग नहीं बना पाई और ना मैं व्लॉग एंड कर पाई। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।